तो यह है हिस्ट्री के एमसीक्यू का लेसन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला और दूसरा आप दोनों पढ़ लीजिए और ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ब्रिटिश काल के आदिवासी मुखियाओं की स्थिति के बारे में ये सवाल है। पहला, आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, शासकीय स्थिति छिन गई। सही है। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेज के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था, ये भी सही है। अंग्रेजों के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं के अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन पर प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे, ये तीनों सही है। लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा तीनों नहीं है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानून और व्यवहार पर लगी पाबंदियाँ, नए करों और व्यापारिक महाजनों के द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में कौन सा सही क्रम है? तो कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बिरसा ने अपने समर्थकों को दिखुओं के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया, सही है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था और इसमें ईसाई मिशनरियों को हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया, सही है। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से कोई परेशानी नहीं थी, ये तीन गलत है। सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था, तो तीन छोड़ करके बाकी सब सही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।